श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 20। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत् परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।